हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है और स्प्रिंग पुली का जो सिस्टम होगा उस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बड़े ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था, समझ में आया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई सिस्टम है उसमें स्ट्रिंग भी लगी हुई है, स्प्रिंग भी लगी हुई है और उनमें से किसी को कट कर दिया जाए तो जस्ट आफ्टर कटिंग उनकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जनरली नीट में, जेई में पूछे जाते हैं आमतौर पर और बच्चे गलत कर जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, तो सबसे पहली बात आती है कंसेप्ट। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है और एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसको अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा बेटा। आफ्टर कटिंग टेंशन बिकम जीरो। जैसे ही कट करेंगे टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर आपको एक स्प्रिंग दी हुई है और एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक है ना, और इसको भी यहाँ से कट कर दिया जाए तो बेटा आफ्टर कटिंग, यहाँ स्ट्रिंग को काटा और स्प्रिंग को काट रहे हैं, टेंशन बिकम जीरो। और यहाँ पे टेंशन ही के एक्स होता है, पीछे पढ़ा था हमने स्प्रिंग के अंदर टेंशन ही के एक्स होता है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन तीसरी बात करें, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया एम और इसके साथ एक स्ट्रिंग लगा दी, एक ब्लॉक और लगा दिया 2m, अगर हम इसको कट करें तो क्या होगा और अगर इसको कट करें तो क्या होगा। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। अगर इसको कट करें तो क्या होगा, मेरी बात समझ रहे हो। तो इस सिचुएशन के लिए क्या है ध्यान देने वाली बात है, इस सिचुएशन के लिए इफ स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग कट की जाती है तो आपको पता है टेंशन जीरो इन स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर, समझ गए, कटिंग के जस्ट बाद टेंशन जीरो, बट स्प्रिंग फोर्स इन स्प्रिंग इज नॉट जीरो जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग। समझे मेरी बात, फिर देखो एक बार, अगर एक स्ट्रिंग को काटा जाए टेंशन जीरो, स्प्रिंग को काटा जाए टेंशन जीरो, लेकिन यहां पे स्ट्रिंग को काटा तो इसके अकॉर्डिंग टेंशन जीरो हो जाएगी, बट जैसे इसको काटा जस्ट आफ्टर कटिंग इसके अंदर जो टेंशन है मतलब स्प्रिंग फोर्स है वो एकदम से जीरो नहीं होगा। इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है वो एकदम से जीरो नहीं होगा जस्ट आफ्टर कटिंग, समझ में आ गई बात, ध्यान रखना। और अगर यहाँ भी स्ट्रिंग होती तो इसको काटते तो टेंशन चेंज हो जाएगी, तो टेंशन चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब एक स्ट्रिंग काटी जाती है तो दूसरी अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन चेंज होगी, बट अगर स्प्रिंग है तो जस्ट आफ्टर कटिंग इसका स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता। क्लियर है बात, समझ में आ गई। स्ट्रिंग कट गई टेंशन जीरो हो गई, बट स्प्रिंग में जस्ट आफ्टर कटिंग टेंशन चेंज नहीं हुई। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, और देखिए बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं कंसेप्ट की, कैसे क्या होता है। इसके बाद मैं कह रहा था आपको, अगर मेरे पास ये सिस्टम है, ये m, ये 2m और यहाँ से इसको कट कर दिया तो अब क्या होगा, इसकी टेंशन जीरो, इसकी टेंशन जीरो, इसकी टेंशन पहले जो थी अब वो अलग होगी पहले से, मतलब टेंशन तो होगी लेकिन पहले जो थी उससे अलग होगी, बट जो कट किया जाता है वो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई,
तो जिस स्ट्रिंग को काटा स्प्रिंग को काटा वो जीरो, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी बच गई अगर वो स्ट्रिंग है तो टेंशन चेंज हो जाएगी, बट अगर वो स्प्रिंग है स्प्रिंग तो जस्ट आफ्टर कटिंग उसमें स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, अब क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक बातें थी कैसे सोल्व किया जाए। अब बेटा इसके बाद बात आती है हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस, क्या करूं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन की इक्वेशंस बना लो, ठीक है। दूसरा आफ्टर कटिंग यूज न्यूटन्स सेकंड लो एंड सॉल्व इक्वेशंस यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, पहला इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनते हैं वो बना लो, फिर जस्ट आफ्टर कटिंग, कटिंग के बाद न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके एक्सेलेरेशन निकालेंगे और पहली जो इक्वेशन आई थी इक्विलिब्रियम की उसको यूज कर लेंगे। कैसे करना है वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझ गए। चलो बिल्कुल इजी से शुरू करते हैं, जिसको आप झंडू सवाल बोलते हो। पहला सपोज करो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और ये एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है बेटा। मान लो हमने यहाँ इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये से अटैच है, हमने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, क्लियर, ठीक है। इनिशियली क्या था, इनिशियली ये टेंशन थी, यहाँ भी टेंशन थी और ये एम जी था, तो बेटा टी इक्वल टू एम जी, ठीक है। इसके बाद आफ्टर कटिंग अगर कट कर दिया तो ब्लॉक से स्ट्रिंग हट गई, कट करने के बाद कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो जीरो हो गई, समझ रहे हो ना, कट कर दिया जीरो, यहाँ बचा एम जी। मान लो ए एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, नीचे का फोर्स इक्वल टू सॉरी एम जी, नीचे का फोर्स मास इनटू एक्सेलेरेशन, क्या आ गया आंसर, ए इक्वल टू जी। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ जैसे ही काटा ये फ्री फॉल हो गया, फ्री फॉल का मतलब एक्सेलेरेशन जी के बराबर, शॉर्टकट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कुछ नहीं करना था, सिंपल सवाल, इसको काटा फ्री फॉल होगा जी से आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन कैसे बनानी है वो मैंने सिखाया आपको, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे इसकी जगह एक स्प्रिंग ले ली जाए, क्वेश्चन नंबर दो, स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो यहाँ टी कटिंग द स्प्रिंग, अब स्प्रिंग हो गई, तो देखो इनिशियली टी इक्वल टू एम जी, बट यहाँ जो टेंशन है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होती है, हो गया, ठीक है। आफ्टर कटिंग जैसे स्प्रिंग को काटा तो टी जीरो और के एक्स भी जीरो, वही आ गया सेम बात, समझ में आई, स्ट्रिंग काटो स्प्रिंग काटो बात वही पड़ेगी, ठीक है, फ्री फॉल। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं वो देखिए, ये तो इलस्ट्रेशन के लिए क्वेश्चन थे ताकि बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो जाएं, और कोई ख़ास बात नहीं है। और देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, सपोज करो मेरे पास एक स्प्रिंग दी हुई है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, ब्लॉक लगाया एम मास का, यहाँ एक स्प्रिंग लगाई और ब्लॉक लगाया टू एम मास का, क्लियर, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यहाँ से कट करेंगे, क्लियर, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कट किया तो बताओ बेटा क्या होगा, ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले इक्विलिब्रियम फॉर
इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ स्ट्रिंग थी टेंशन टी, स्प्रिंग है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा के एक्स, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे 2m मास का ब्लॉक है तो 2mg, अरे वेट 2mg, ऊपर टेंशन टी, अगर इक्विलिब्रियम है तो टी इक्वल टू 2mg, हाँ या ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा ब्लॉक हमारे पास m मास का है, इस m के लिए यहाँ टी और ऊपर क्या है के एक्स, बोलो। और दूसरा इसका खुद का वेट, मेरी बात समझ पा रहे हो, इसके लिए स्ट्रिंग जुड़ी हुई है टेंशन टी, ऊपर के एक्स स्प्रिंग का फोर्स, नीचे एम जी इसका वेट, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम है तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से टी की वैल्यू पुट कर दो, के एक्स इक्वल टू एम जी प्लस टी कितना है 2mg, दिस इज के एक्स इक्वल टू 3mg, रिलेशन आ गया मेरे पास, ठीक है, और टी भी आ गया था मेरे पास, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है, क्लियर है, ठीक है। अब बताती है आफ्टर कटिंग, कट करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट करता हूँ तो बेटा 2m ब्लॉक, इसका वेट क्या हो गया 2mg, क्लियर है। यहाँ से कट गया, जिस स्ट्रिंग को कट गया उसका तो जीरो, तो यहाँ तो टेंशन जीरो, मान लो A1 एक्सेलरेशन से नीचे आता है तो वही लगेगा फोर्स इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, 2m से 2m कैंसिल, तो A1 तो जी के बराबर आ गया नो डाउट, इसकी एक्सेलरेशन तो जी आ गई कटिंग के बाद, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है ऊपर वाला ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो बेटा ये m स्ट्रिंग कट कर दी टेंशन जीरो, लेकिन खुद का वेट तो होगा, टेंशन तो जीरो हो गई, खुद का वेट आएगा, और ऊपर क्या था के एक्स, क्योंकि आपको बताया था जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लो इसकी एक्सेलेरेशन भी नीचे ए टू मान लेते हैं, हो सकता है ऊपर भी जाए, ठीक है। अब ये देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो बेटा एम जी माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए टू, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। एम जी माइनस के एक्स की वैल्यू क्या है 3mg, तो mg माइनस 3mg इक्वल टू ma2, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो माइनस 2mg ma2, m से m कैंसिल, a2 कितना आ गया माइनस 2g, तो ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी आ गई माइनस 2g, इसका मतलब नेगेटिव साइन मींस ब्लॉक m मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 2g, हमने नीचे माना था लेकिन ये ऊपर जाएगा 2g एक्सेलरेशन से, क्लियर। जैसे इसको कट करेंगे, एक तो वेट खुद का था mg, एक स्ट्रिंग की टेंशन थी उसकी वजह से ज़्यादा खिंचा हुआ था, जैसे ही हटेगा ये ऊपर जाएगा, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आ गया, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ, उसके बाद कटिंग इक्वेशन लगाओ, न्यूटन सेकंड लॉ, आपका काम हो जाएगा, बस कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्लियर है, ओके भाई, ये बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगर इसको यहाँ से काटने की बजाय ऊपर से काट दिया जाए तो क्या होगा, बन सकता है सवाल, देखते हैं। देखो हालांकि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे काम आ जाती, अगर इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, बन गया सवाल, क्वेश्चन चेंज, ठीक है। अब नीचे की बजाय मैं इसको ऊपर से कट करूँगा तो ये 2m, ये m और ये kx स्प्रिंग को काटा गया, क्लियर, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वही पहले वाली बात 2m, देखो ये 2m है तो ये 2mg, ऊपर टेंशन t तो t कितना आ गया बेटा 2mg, बात ख़त्म, ठीक है। इस ब्लॉक की बात करूं तो ये कितना बेटा m, ऊपर कितना kx, नीचे कितना t और नीचे कितना mg, बात समझ में आ रही है, mg इसका खुद का वेट, यहाँ पे 2mg,
ये टी टेंशन और ऊपर के एक्स इक्विलिब्रियम है तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, के एक्स इक्वल टू टी प्लस एम जी, के एक्स इक्वल टू टी, टी कितना है 2mg + mg, जिनको पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में दिक्कत थी अब देख लो वही बातें आ गई, के एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब आफ्टर कटिंग के बाद अपने को एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है भाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि कटिंग तो इसको की, यहाँ जो टेंशन पहले थी अब वो चेंज हो जाएगी, बताया था ना पीछे कि जो भी कट करे अगर स्प्रिंग है तो वही फोर्स रहेगा लेकिन टेंशन है तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले ये 2m है तो बेटा ये 2mg, टेंशन t है तो इसको t डैश मान लें, ओके, ये चेंज हो जाएगी, इसको कट किया, एक्सेलरेशन क्या मान लें इसकी a1, तो क्या आएगा देखो 2mg - t - 2ma1, इक्वेशन नंबर 1 मान लें इसको, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा फॉर अपर स्प्रिंग, अपर वाले के लिए m, ऊपर कट गई तो kx क्या हो गया 0, तो यहाँ क्या आ गया t डैश, बात समझ में आ गई। इसकी एक्सेलेरेशन क्या मान लें a2, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान दो ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं और दोनों आपस में कनेक्ट हैं तो, और ये हैवी है तो दोनों की एक्सेलेरेशन क्या होगी सेम, क्योंकि स्प्रिंग तो यहाँ पे है नहीं तो एक्सेलेरेशन दोनों की क्या होने वाली है सेम, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसको भी a1 ही लेके चलेंगे, a1 इक्वल टू मैं a2 बोल सकता हूँ, समझ गए ना, क्योंकि स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, सेलेक्ट तो पड़ेगा नहीं और दोनों की एक्सेलेरेशन सेम रहेगी अगर ये टाइट है तो, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको देखो ये क्या आ गया टी डैश इक्वल टू एम a1, मेरी बात समझ में आ रही है, ऊपर से कट गया यहाँ टी डैश और mg भी आएगा भाई, तो टी डैश प्लस mg इक्वल टू ma1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर लो, 1 + 2 दोनों को ऐड कर दो तो टी डैश से टी डैश कैंसिल, 2mg + mg 3mg, बात समझ में आ गई, ओके 2ma1 ma1 3ma1, तो यहाँ से ये कैंसिल तो बेटा a1 क्या आ गया जी, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। a1 अगर जी आ गया तो आपको बताया था अभी a1 a2 दोनों सेम है जी, तो ऊपर वाले की भी एक्सेलरेशन जी और नीचे वाले की भी एक्सेलरेशन जी, क्या मेरी बात समझ में आई। अगर आप लोग यहाँ पे टेंशन चेंज नहीं करते तो आपका आंसर गलत हो, तो आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि स्ट्रिंग जब कटेगी या स्प्रिंग कटेगी तो जो भी स्ट्रिंग है दूसरी उसमें टेंशन चेंज जरूर होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चे जनरली गलती यहाँ करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलती जरूर करते हैं, टेंशन चेंज करनी होती है, क्लियर। अब टेंशन कितनी आई वो भी निकाल लेते हैं, टेंशन कितनी आई वो भी निकाल लेते हैं, ये पता लग गया ना, ठीक है। तो देखो भाई A1 कितना है जी, तो फर्स्ट क्या बन जाएगी 2mg - t - 2ma1, A1 क्या है जी, तो क्या ये कैंसिल दोनों, टी डैश क्या आ गया 0, टी डैश क्या आ गया बेटा 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का फ्री फॉल होगा कटने के बाद, और फ्री फॉल जब होगा तो दोनों की एक्सेलेरेशन सेम होने वाली है, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो स्लैक कुछ नहीं पड़ेगा, टेंशन 0, क्लियर। लेकिन जनरली आपसे एक्सेलेरेशन पूछते हैं तो आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। और देखो अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है वहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं किसी टाइप की, ठीक है ना बेटा। अब स्ट्रिंग की जगह अगर दोनों स्प्रिंग आ जाए तो क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन है, 1 एम मास का ब्लॉक, 2 2m मास का ब्लॉक ले लिया, ओके यहाँ दो स्प्रिंग है, ये भी के और ये भी के, फर्स्ट और सेकंड, क्लियर। फर्स्ट वाली स्प्रिंग को कट कर दिया तो क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कटिंग द लोअर स्प्रिंग,
समझ गए मेरी बात। नीचे वाले स्प्रिंग को काटेंगे तो देखो भाई, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले बेटा 2mg, 2m मास है, 2mg यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है, तो इसको kx1 मान लेते हैं, x1 डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इसके अंदर, और इक्विलिब्रियम है तो kx1 इक्वल टू 2mg, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, ठीक है। अब ले लो ये वाला m, तो ये क्या हो गया बेटा mg, ऊपर क्या मान लेते हैं kx2, अगर ये kx1 है तो ये kx2, मेरी बात समझ रहे हो, ये kx1 तो ये kx2, ये तो पता टेंशन का ही काम कर रही है, तो टेंशन हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट से अपोजिट होता है, ये भी अपोजिट कर दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऊपर kx2, ये kx1, ठीक है भाई, mg हो गया, यहाँ पे kx1 हो गया, ये kx2 हो गया, बात समझ में आ गई। अब ये भी इक्विलिब्रियम है तो kx2 ऊपर वाला नीचे वाले के सम के बराबर, तो kx2 इक्वल टू mg प्लस kx1, kx1 क्या है 2mg, तो kx2 इक्वल टू 3mg, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है भाई, ये भी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, नाउ आफ्टर कटिंग, बेटा कटिंग की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, इसको कट किया तो कट करने से kx1 क्या हो जाएगा 0, पता है ना हम लोगों को, कट कर दिया kx1 0, तो 2m मास फ्री फॉल में जाएगा, तो वेट क्या हो गया 2mg, एक्सेलेरेशन क्या मान लें इसकी a1, तो क्योंकि ऊपर तो 0 है, कुछ है ही नहीं ऊपर, kx1 क्या हो गया 0, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, समझ गए ना, तो 2mg फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, ये कैंसिल, तो a1 क्या आ गया बेटा g के बराबर, मेरी बात समझ में आ गई, a1 क्या आ गया g के बराबर, ये g की एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा, ठीक है भाई। अब बात आई ऊपर वाले की, स्ट्रिंग तो है नहीं जो टेंशन चेंज होगी, स्प्रिंग है, तो यहाँ देखो ये मास ऊपर kx2, नीचे इसका वेट mg, और क्या था बेटा kx1 तो 0 है तो आएगा ही नहीं, इसकी एक्सेलेरेशन क्या मान लेते हैं a2, क्लियर, ठीक है, ये a1 माना था, तो mg माइनस kx2 इक्वल टू ma2 हो गया, mg माइनस kx2, kx2 क्या है 3mg, ma2 माइनस 2mg, ma2 m से m कैंसिल, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास a2 आ गया माइनस 2g, नेगेटिव साइन का मतलब, नेगेटिव साइन मीन्स a2 इज, हमने कहा माना नीचे इन अपवर्ड डायरेक्शन, बात समझ में आ गई, a2 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या किया हमने, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दी, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास ये क्या kx1 2mg, kx2 3mg आ गया, फिर हमने इसकी एक्सेलेरेशन निकाली g के बराबर आई, क्योंकि जहाँ से कटेगा फ्री फॉल होगा इसका, तो हम चाहते हैं इसकी क्या होगी, इसकी आई 2g, तो जैसे ये कट होगा ये ऊपर जाएगा 2g एक्सेलेरेशन से, क्लियर है ना, ऊपर जाएगा 2g एक्सेलेरेशन से, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर इस स्प्रिंग को ऊपर से काट दिया जाए तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँ और स्प्रिंग को यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाए तो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द अपर स्प्रिंग, समझिए, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, अपने आप ट्राई करना, आप ट्राई योर सेल्फ, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना है आप लोगों को, ठीक है, ओके ओके। सपोज करो आपके पास इस टाइप से एक रिजिड सपोर्ट, एक एम मास, 2m मास, और यहाँ आपको एक स्प्रिंग और दे दी, और ये बेटा 3m मास, समझ गए, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के,
क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इफ मिडल स्प्रिंग इज कट, बीच वाली स्प्रिंग अगर काट दी जाए तो। ठीक है भाई, सर सबसे पहले सॉल्यूशन में बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है? सबसे पहले नीचे वाला 3m 3mg, तो ये 3mg है तो इसकी kx3 मान लें, तो यहाँ नाम दे दिया kx3, तो बेटा यहाँ भी क्या होगा kx3, इसको मान लो kx2 स्प्रिंग में kx2, और इसको मान लो kx1, कोई परेशानी नहीं, इसमें एक्सटेंशन x1 x2 x3, तो इक्विलिब्रियम है तो kx3 इक्वल टू 3mg, ये भी कोई दिक्कत नहीं हो गया। फिर लो बीच वाला 2m 2mg, वेट हो गया, नीचे वाली स्प्रिंग है kx3, ऊपर क्या है kx2, तो बेटा kx2 इक्वल टू 2mg प्लस में kx3, अरे k या 2mg 2mg प्लस में kx3 का सम ऊपर वाले के बराबर क्योंकि इक्विलिब्रियम है, kx2 2mg प्लस में kx3, kx3 क्या है 3mg, तो kx2 क्या हो गया बेटा 5mg। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद बात करें तो मेरे पास एक ब्लॉक बच गया m, तो m का क्या हो गया mg, इधर क्या लगा हुआ है kx2, और यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा kx1, यही बात समझ में आ गई। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम क्या बनेगा kx1 इक्वल टू kx2 प्लस mg, kx2 कितना है 5mg, ये कितना है mg, तो kx1 क्या आ जाएगा 6mg, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात आती है आफ्टर कटिंग, कटिंग की अगर बात करते हैं तो देखो सबसे पहले M ब्लॉक की बात कर लें, M के ऊपर फोर्स क्या है kx1, क्योंकि जस्ट आफ्टर कटिंग कोई चेंज नहीं है, लेकिन जिसको कट किया वो तो जीरो हो जाएगा, तो आफ्टर कटिंग kx2 तो जीरो हो जाने वाला है, जैसे ही हम जिस स्प्रिंग को कट करते हैं स्टार्टिंग बताया था वो तो जीरो हो जाएगा उसका फोर्स kx2 जीरो। तो ये M मास है, इसका वेट हो गया mg, और kx2 क्या हो गया जीरो, बताया था अभी। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं ए वन, तो क्या होगा एम जी माइनस के एक्स वन इक्वल टू एम ए वन, बात समझ में आई, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एम जी के एक्स वन कितना है भाई, के एक्स वन चेक करो सिक्स एम जी, एम ए वन माइनस का फाइव एम जी इक्वल टू एम ए वन, एम से एम कैंसिल, ए वन इक्वल टू माइनस फाइव एम जी, माइनस साइन का मतलब है नीचे ना जाके ये ऊपर जाएगा 5mg से, समझ रहे हो ना, एम से एम कैंसिल, ए वन इक्वल टू माइनस फाइव जी, इसका मतलब है माइनस साइन का मतलब नेगेटिव साइन मीन्स ब्लॉक m मूव्स अप विद एक्सेलरेशन 5g। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ये जो ब्लॉक है ये कहाँ जाएगा बेटा, नीचे की बजाय ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है एम के बाद 2m ब्लॉक की, तो बेटा 2m की बात करें तो 2mg ऊपर, ये 2mg है, नीचे है kx3, ऊपर क्या था kx2 जो क्या है जीरो, kx2 तो हट गया, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे के फोर्स हैं 2mg प्लस में kx3 इक्वल टू 2m, एक्सेलरेशन क्या मान लें इसकी a2। ठीक है भाई, तो ये हो गया 2mg प्लस में kx3, kx3 क्या है भाई 3mg, 2m a2, 5mg इक्वल टू 2m a2, m से m कैंसिल, a2 इक्वल टू 5 बाई 2g, ए टू इक्वल टू 2.5g, इसका मतलब ये नीचे तो आएगा, ए टू था ना, तो 2.5g से नीचे आएगा। क्लियर,
ये बात समझ में आ गई। पहले वाला ऊपर जाएगा कट करने से, ये नीचे आएगा। अब बात आ गई लास्ट वाले की, लास्ट वाले के साथ क्या होगा वो देखो, समझ रहे हो मेरी बात। जस्ट न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। ये देखो 3m, 3mg, एक्सेलेरेशन a3 मान लेते हैं इसकी। ये क्या है kx3। जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग में चेंज नहीं आता, स्ट्रिंग में चेंज आता है, तो ये वही रहेगा kx3। अब नीचे आ रहा है तो बेटा 3mg माइनस में kx3 इक्वल टू 3ma3। kx3 कितना है 3mg, तो 3mg माइनस 3mg इक्वल टू 3ma3। ये कट गया, ये जीरो आ गया, तो 3ma3, तो a3 क्या हो गया बेटा जीरो। तो लास्ट वाले ब्लॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज जस्ट आफ्टर कटिंग ये वही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो, जस्ट आफ्टर कटिंग मिडल स्प्रिंग इज कट जस्ट आफ्टर एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक, ए मिडल स्प्रिंग इज कट जस्ट आफ्टर बताना है। जस्ट आफ्टर का मतलब कटने के तुरंत बाद, समझ रहे हो। तो ये रेस्ट पे रहेगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, कैसे क्या होगा आपके सामने, क्लियर है। ठीक है भाई, ये सवाल मुझे समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तीन स्प्रिंग के क्वेश्चन भी मुझे परेशान नहीं करेंगे, कर सकते हैं। और देखो, आप लोगों ने सोचा भाई पुल्ली के क्वेश्चन नहीं करवाए, तो एक पुल्ली का क्वेश्चन करते हैं। चलो लास्ट, ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मान लो 3m, इसको यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ एक पुल्ली लगाई, यहाँ से इसको कनेक्ट किया और यहाँ से ऐसे आ गए। एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया m मास का और यहाँ एक स्प्रिंग लगा दी, यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया 4m मास का, क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड, यहाँ लिखता हूँ मैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इफ स्ट्रिंग S3 इज कट। अब S3 कौन सी है भाई, नाम दे दो, S1, S2, S3, समझ गए मेरी बात। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है, ये देखो, मान लो यहाँ फोर्स kx, ये कितना हो गया 4mg, इक्विलिब्रियम है तो kx ये बनाया हमने 4mg, ये 4m मास ऊपर kx, तो बेटा kx इक्वल टू 4mg, क्या मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद देखो, ये kx है तो ये भी kx, ओके, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं हम t1, तो ये भी t1 और बेटा ये भी t1, इसमें मान लेते हैं t2, क्या मेरी बात समझ में आई। ठीक है, इसके बाद देखना ध्यान से, 4m, m मास की बात करें तो यहाँ तो हो गया इसका वेट mg और ये हो गया kx, ऊपर क्या आ गया t1, तो बेटा t1 कितना आया, t1 नीचे का मास प्लस में kx, t1 इक्वल टू mg प्लस kx क्या है 4mg, t1 क्या आ गया 5mg, क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 3m की, 3m की अगर बात करते हैं तो बेटा ये t2 और ये t1, अब इक्विलिब्रियम है तो एक्सेलेरेशन क्या होगी जीरो, और एक्सेलेरेशन अगर जीरो होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, t1 मस्ट बी इक्वल टू t2, बोलो। अगर ये रेस्ट पे चल नहीं रहे तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस बराबर होने चाहिए, क्या बात समझ में आ गई। t1 और t2 यहाँ पे क्या है, बैलेंस। ठीक है, अब देखो, आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग S3 स्प्रिंग को काटा, इसको समझ गए, इस वाली स्प्रिंग को काटेंगे तो ये बताओ यहाँ टेंशन चेंज होनी, देखो t2 वाली तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही कट किया t2 तो हो गया जीरो, t1 की जगह t1 डैश लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही इसको काटा टेंशन चेंज हो जाती है, स्प्रिंग फोर्स वहीं रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो अपने को निकालना है ये। ठीक है भाई, क्या करें वो देखो, सबसे पहले इसको ले लें 4mg, ये कितना है 4mg, ये कितना है बेटा kx, एक्सेलेरेशन इसकी मान लेते हैं चलो a1, तो क्या होगा
फोर एम जी माइनस के एक्स इक्वल टू फोर एम ए वन, फोर एम जी माइनस के एक्स कितना है भाई, फोर एम जी, फोर एम ए वन, बताओ ये सेम सेम कैंसिल, फोर एम ए वन, तो बेटा ए वन कितना आ गया, जीरो। तो नीचे वाले की एक्सेलेरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग कितनी आ गई, जीरो। बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में मुझे आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें भाई क्या होगा, तो एम वाले की बात करते हैं, देखो इस वाले की बात करते हैं, टेंशन चेंज टी वन डैश मान लें, ठीक है, नीचे क्या होगा के एक्स, इधर क्या होगा एम जी, एक्सेलेरेशन क्या मान लें इसकी ए टू, ए टू मान लें तो क्या होगा एम जी प्लस में के एक्स माइनस टी वन डैश इक्वल टू ए टू, सॉरी एम ए टू, बात समझ में आ गई, ठीक है। के एक्स की वैल्यू क्या है भाई, फोर एम जी, तो एम जी प्लस में फोर एम जी माइनस टी वन डैश एम ए टू, इक्वेशन नंबर वन डाल दें इसको, क्योंकि मुझे कुछ वेरिएबल नहीं पता, और सिंपलीफाई कर लो, एम जी एम जी फाइव एम जी माइनस टी वन डैश एम ए टू, क्लियर, एम जी फोर एम जी फाइव एम जी, ठीक है। अब लोअर ब्लॉक की इक्वेशन बना लो, समझ रहे हो मेरी बात, इसकी तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये थ्री एम, इधर एक्सेलेरेशन क्या रह जाएगी टी वन डैश, पता है ना आपको, कटिंग करने के बाद ये टी वन जो था वो टी वन डैश हो जाएगा, ठीक है, इसकी एक्सेलेरेशन क्या मान लें हम ए थ्री, क्लियर, क्या मान लें ए थ्री, ठीक है। ये ब्लॉक है स्ट्रिंग ए की है, इनएक्सटेंसिबल है, तो पहले जब ये एक्सेलेरेशन, सॉरी यहाँ जो टेंशन सेम थी, तो अभी भी टेंशन क्या होनी सेम, दूसरा एक साथ आएंगे, स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो इसकी एक्सेलेरेशन भी क्या होगी सेम, तो ए थ्री मस्ट बी इक्वल टू ए टू, मतलब इसको ए टू ही मानेंगे, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो टी वन डैश मस्ट बी इक्वल टू थ्री एम ए टू सेकेंड, तो सेकेंड यूज करके फर्स्ट क्या बन जाएगी, फाइव एम जी माइनस थ्री एम ए टू इक्वल टू एम ए टू, फाइव एम जी फोर एम ए टू, एम से एम कैंसिल, तो बेटा यहाँ देखा जाए तो ए टू कितना आ गया, फाइव बाई फोर जी, फाइव बाई फोर जी, तो ये मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गई, इसका मतलब ये इधर जाएगा ए टू से, ये नीचे आएगा ए टू से, और कितनी एक्सेलेरेशन आ गई इसकी, फाइव बाई फोर जी, और ये क्या रहेगा रेस्ट पे, क्लियर, फाइव बाई फोर जी इक्वल टू फाइव बाई फोर जी, बात समझ में आ गई। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब स्प्रिंग कट की जाए तो स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आता, बट अगर स्ट्रिंग लगी हुई है तो पहले इसको T1 मान रखा था, अब ये T1 डैश हो जाएगा, और T1 डैश के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, लेकिन अगर आपने इसको T1 के अकॉर्डिंग किया तो गलत हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो, कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अगर ये ध्यान रखेंगे तो स्ट्रिंग का, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है बेटा, बड़े ही ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप हमने किया था। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे के ऐसे ही सिंपल सिंपल मेथड वाले क्वेश्चंस मिलते रहें, ताकि आप अच्छे से अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर पाओ। थैंक यू।